नमस्कार, आप दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। लाहौर में खालिस्तानी आतंकवादी परमजीत सिंह पंजवाल की हत्या, आईएसआई के संरक्षण में रह रहा था खालिस्तानी कमांडो फोर्स का मुखिया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने नकदी संकट में फंसे पाकिस्तान की सरकार के दावे को किया खारिज। पाक ने कहा था उसने ऋण सुविधा के तहत धन जारी करने के लिए आईएमएफ की सभी शर्तों को पूरा कर लिया है। कर्नाटक चुनाव में भाजपा और कांग्रेस ने झोंकी पूरी ताकत। बेंगलुरु में पीएम मोदी 26 किलोमीटर लंबा भव्य रोड शो, कहा भाजपा के लिए जनता लड़ रही चुनाव। कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी और प्रियंका के बाद सोनिया गांधी भी उतरी चुनाव मैदान में। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए 10 मई को डाले जाएंगे वोट। नागपुर से मुंबई जा रहे एयर इंडिया के विमान में सवार महिला यात्री को बिच्छू ने काट लिया। प्लेन के एयरपोर्ट पहुंचने के बाद तुरंत महिला को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत ठीक बताई जा रही है। विमान में कीड़े मारने वाली गैस छोड़ी गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के एक बयान की निंदा करते हुए उसे बेहद ही घटिया और हर भारतीयों को अपमानित करने वाला बताया। कहा, मेरा भारत महान था, महान है और हमेशा महान रहेगा। नड्डा ने कहा कि 9 साल पहले घुटने टेक कर चलने वाला था भारत। मणिपुर में हुई हिंसा में मरने वालों की संख्या बढ़कर 54 हो गई। सुरक्षा के मद्देनजर सभी प्रमुख क्षेत्रों और सड़कों पर सेना के अतिरिक्त टुकड़ियों, आरएएफ और केंद्रीय पुलिस बल के जवान तैनात। मणिपुर में अब धीरे धीरे सुधर रहे हालात। हिंसा से प्रभावित इलाकों से 13,000 लोगों का रेस्क्यू। कई इलाकों में अभी जारी है कर्फ्यू। इम्फाल घाटी में शनिवार को जनजीवन सामान्य, ज्यादातर दुकानें तथा बाजार फिर से खुले, सड़कों पर वाहन भी नजर आए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक में चुनाव प्रचार करते हुए कहा, भाजपा को जितना गाली दोगे कमल उतना ही खिलेगा। कहा, जनता मोदी जी की गारंटी को ही मानती है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने साधा कर्नाटक के अध्यक्ष डीके शिवकुमार पर निशाना। कहा, शिवकुमार टीपू सुल्तान के परिवार के सदस्य हैं। कांग्रेस आई तो कर्नाटक पीएफआई का गढ़ बन जाएगा। पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के एक महिला फैशन डिजाइनर प्रियंका मलिक ने ब्रिटेन के महाराजा चार्ल्स तृतीय के लिए एक ब्रोच और महारानी कैमिला के लिए पोशाक तैयार की। ब्रिटेन के शाही परिवार ने चार्ल्स और कैमिला के लिए ब्रोच और पोशाक तैयार करने के लिए प्रियंका का आभार जताया। महाराजा चार्ल्स के ताजपोशी समारोह में शामिल होने के लिए न्योता भी मिला। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम और कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा, देश और राज्य में व्याप्त कुरीतियों और भ्रष्टाचार के खिलाफ वे लड़ाई लड़ते रहेंगे। हो सकता है उनका भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद करना कुछ लोगों को पसंद न आया हो। नीट 2023 की परीक्षा उन उम्मीदवारों के लिए स्थगित कर दी गई है जिन्हें मणिपुर में परीक्षा का केंद्र आवंटित किए गए थे। उनकी परीक्षा बाद की तारीखों में आयोजित की जाएगी। यूपी के बांदा एएसपी लक्ष्मी निवास मिश्रा ने कहा, थाना कोतवाली अंतर्गत चौकी क्षेत्र मर्दनाका में सूचना मिली कि एक व्यक्ति के घर के बाहर हिंदू भारत छोड़ो लिखा है। सूचना के आधार पर तत्काल प्रकरण का संज्ञान लेते हुए अभियोग पंजीकृत किया गया है। आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर के कप्तान नीतीश राणा की पत्नी कथित तौर पर पीछा करने और उन्हें परेशान करने के आरोप में पश्चिमी दिल्ली के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। पुलिस अधिकारी ने कहा, कीर्ति नगर थाने क्षेत्र में पीछा करने और प्रताड़ित करने का मामला दर्ज किया गया है। आप नेता और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ चार्जशीट पर सुनवाई 10 मई को होगी। दिल्ली कार्य नीति मामले में राव रेवेन्यू कोर्ट ने दाखिल सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर 10 मई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। मध्य प्रदेश में पूर्व मंत्री दीपक जोशी कांग्रेस में शामिल। बुधनी से शिवराज को हराने की दी चुनौती। कहा, कोरोना काल में शिवराज के चलते पत्नी के इलाज के लिए नहीं मिली थी एम्बुलेंस। मुरैना में जमीनी विवाद में सामूहिक हत्याकांड में सामने आई पुलिस की लापरवाही। गांव जाने से पहले पीड़ित परिवार सुरक्षा की मांग को लेकर पहुंचा था थाने। विवाद की सूचना के बाद भी एक्शन में नहीं आई थी पुलिस। मध्य प्रदेश में फिल्म द केरला स्टोरी टैक्स फ्री। बोले सीएम शिवराज घिनौनी साजिश को उजागर करने वाली फिल्म, लोगों से की फिल्म देखने की अपील। विवादास्पद फिल्म द केरला स्टोरी ने बॉक्स ऑफिस पर की अच्छी शुरुआत। 8.03 करोड़ रुपए रहा पहले दिन का कलेक्शन। मध्य प्रदेश में फिल्म को किया टैक्स फ्री। द कश्मीर फाइल्स के मेकर विवेक अग्निहोत्री ने द केरला स्टोरी के विपुल शाह, सुदीप्त सेन और अदा शर्मा को दी बधाई। साथ ही कहा, अब आपकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी और आपको हद से ज्यादा नफरत झेलनी पड़ेगी। ये थे आज के फटाफट बुलेटिन और ऐसे ही ताजा अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें आप दुनिया पर।